तो श्रीमान कोशी ये भी जानना चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण पर ही अधिक ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि देवकुल में सैकड़ों देवता हैं, प्रभुपाद ने उसी बीच उन्हें रोक दिया, वह इतने सारे हैं आप कृष्ण पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा क्यों, बाकी के साथ भेदभाव क्यों, वो भी तो अच्छे लोग हैं, बाकी देवी देवता भी तो अच्छे लोग हैं, तो सबके ऑल्टर होने चाहिए, कृष्ण भगवान का भी हो, मना मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन और कोई भी हो सकते हैं, तो कृष्ण पर फोकस क्यों। तो प्रभुपाद ने देख लिया, पहले बहुत जेनेरिक प्रीचिंग बहुत हो रखी थी, गॉड ऑन द नेम ऑफ गॉड गॉड, पर हु इज गॉड, वो चेहरा कैसा है वो पता नहीं थी। मुझे व्यक्ति मिले थे, ही वॉज अ प्रीस्ट, मैं आसाम जब गया था तो वहाँ एक प्रीस्ट से मिला था, तो उन्होंने बताया कि ना मेरे को थोड़ा आकर्षण है संसार के रूप रंग से, मेरे को आकर्षण है। तो मैंने कहा भगवान के रूप रंग के प्रति आकर्षित हो जाइए तो फिर ये संसार के रूप रंग जो ठीक हो जाएंगे। कहते हैं लेकिन उनका रूप रंग के बारे में पता नहीं है। मैंने कहा जो लिखा हो आप देख लीजिए, आपके शास्त्र में कहते हैं उनके रूप रंग के बारे में दिया नहीं ज़्यादा, बस ये है गॉड ही इज इन हेवन, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है ही नहीं उनके बारे में, डिस्क्रिप्शन क्यों, नाम कैसा है, रूप कैसा है, गुण कैसी, लीला कैसी, ये अब है ही नहीं। तो मैं कहा फिर तो संसार के रूप रंग आकर्षित करते रहेंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल है भाई। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने देख लिया कि ना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यस, बहुत हो गया ये जेनेरिक प्रीचिंग, जेनेरिक बहुत हो गया, वो ऊपर वाला, वो जो ऊपर बैठा है गॉड सर, लेकिन वो दिखता का सर कहता है वो जो मानना है मान लो। प्रभुपाद जी बोला एक्चुअली जो जेनेरिक प्रीचिंग है इन अ वे ये एक्चुअली नास्तिक प्रीचिंग है, नास्तिक प्रीचिंग है, जो निराकार वाद भी है ये भी नास्तिकवाद है। जैसे हम किसी के बारे में बात करें लेकिन उसके बाकी अंगों की चर्चा ना करें, जैसे मान लो कोई बात करे अजीत गोविंद प्रभु, कहते हैं एक है अजीत गोविंद प्रभु लेकिन उनके हाथ नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनकी नाक नहीं है, उनकी आंख नहीं है, उनका मुंह नहीं है, उनके सर नहीं है, उनके बाल नहीं है, उनके पांव नहीं है, कहता बाकी क्या, कहता है अजीत गोविंद प्रभु, कहते सर बंदा तो गया, बंदा तो गया। तो इसीलिए ये कहना कि ना भगवान है लेकिन ना हाथ है, ना पांव है, ना मुंह है, ना आंख, आइडेंटिटी कहता है कुछ लगा लो आइडेंटिटी उसके ऊपर, ये तो इन अवे मतलब व्यक्ति की बेइज्जती है। तो मतलब ये ऐसी निराकारवादी भगवान की बेइज्जती करते हैं, इसे प्रभुपाद जी बोला करते थे दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्णा, दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्णा। अब जो हिप्पीज लोग बैठे हुए थे क्लास में, उनको लगा कि नहीं ये मायावादी नाम का कोई बंदा है यार, जो कि ना बहुत तंग कर रहा है स्वामी जी को। तो एक क्लास के बाद आगे कहते हैं देखिए स्वामी जी कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ लोग सुपारी लेके ना टपका भी देते बंदे को, इसलिए अगर आप बता दो उस व्यक्ति का, ये मायावादी नाम का व्यक्ति का एड्रेस दे दो, हमारे यहाँ पे वी हैव गॉट ब्लैक पैंथर्स, वेरी गुड, ये लो अपना मोटर बाइक में आते हैं, इनको पैसा दो सटका देते हैं किसी को। प्रभुपाद जी ने कहा क्या, कह रहे हैं अब बताते हैं आपकी मायावादी ही वॉन्ट्स टू किल माई कृष्ण, आपके कृष्ण को कुछ नहीं होगा, यू विल किल द मायावादी। प्रभुपाद जी इतना हंसे इतना हंसे, व्हाट हैपेंड स्वामी जी, प्रभुपाद ने कहा यू गॉट द पॉइंट, मायावाद सिद्धांत से बोली है कि आपको गुरु से स्नेह हो जाए, तो और उसी बात है, तो डिवाइनिंग अफेक्शन फॉर स्वामी जी, प्रभुपाद जी से उनका स्नेह हो गया कि ना कोई चीज हमारे गुरु को तंग कर रही है यार, वो सटका दो उसको भाई, निपटा दो उसको। सो उन्होंने हायर प्रिंसिपल इनफैक्ट लिया था श्री प्रभुपाद जी का कि प्रति स्नेह का। बट देयर वाज इनफ ऑफ दिस जेनेरिक प्रीचिंग, हो गया जी स्पेसिफिक कृष्णा, तो भगवान के नाम पे होगा भगवान भगवान भगवान, अब कौन भगवान उनको पता नहीं कौन भगवान। सो प्रभुपाद श्री प्रभुपाद ने कहा नो वी विल बी स्पेसिफिक, वी विल नॉट कीप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, इट विल बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। लोग ज्यादा अवॉइड करते हैं भगवान के बारे में चर्चा करने में, फिर उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज आती है, फिर कॉन्ट्रोवर्सी कौन एड्रेस करेगा यार, प्रभुपाद जी को कॉन्ट्रोवर्सी से कोई दिक्कत नहीं थी, भाई हम सच बोलेंगे जी, कॉन्ट्रोवर्सी आएगी देखेंगे, कॉन्ट्रोवर्सी को भी आए जी। जब प्रभुपाद जी जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के समय में वन पर्सन का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो वो समाज सेवा के बारे समाज के बारे में बात किया, समाज में उत्थान ही होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए। तो इसमें भक्ति सिद्धांत ने बोला कोई भगवान की चर्चा भी कर लिया कर तुम, कहते हाँ तो क्या हो गया, अगली बार भगवान की चर्चा कर लूंगा मैं, उसमें क्या है। तो भगवान के बारे में चर्चा शुरू की, तो वहां पर बोला निराकार तुम्हार चरण देखी, ऐसे उन्होंने बताया कि वो तो है तो निराकार, मैंने इनके चरणों के दर्शन किए। तो भक्ति सिद्धांत को बुलाया, कहते हैं जरा तो क्लास में क्या बोला, अभी क्या बोला तुमने, निराकार तुम्हारे चरण देखे, निराकार के चरण तुमने कैसे देख लिए, जिसके चरण है वो निराकार नहीं होगा, और निराकार उसके चरण देखे तुमने, तो बता देखिए भक्त महाराज को ना देखिए, कहते हैं मेरे को भगवान के बारे में पता पता कुछ नहीं है, अब आपने पिछला बोला था तो मैं ताऊ में आकर भूल गया, लेकिन एक्चुअली हमें भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। इससे दुनिया में जितने मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं कोई भगवान की चर्चा नहीं करता, सभी बोल रहे कर दिखाएंगे, हो जाएगा, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, छत फाड़ देंगे, कहते लेकिन भाई क्यों करना है पता नहीं, भाई भगवान की कोई चर्चा ही नहीं करता। Actually, one person, he used to go to some other gurus. लेकिन एक चीज जो बड़ी स्ट्राइकिंग थी उसके लिए इस्कॉन में आकर कि ना यहाँ भगवान की बहुत चर्चा होती है, हमारे पोस्टर में भी भगवान है, हमारी कथाओं में भगवान है, हमारे कीर्तन में भगवान है, भगवान भगवान, बाकी में गुरु जी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें भगवान बहुत है आपके यहाँ पर, वाह भगवान पर इतना फोकस कहीं पर मिलता ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा वी विल फोकस कृष्णा। जैसे एक बार एक पिता जी थे वो भी गा रहे थे हे माँ हे माँ, और बेटा थोड़ी गा रहे थे हे माँ हे माँ। तो पूछा जी आप पिताजी से आप क्या करेंगे, कहते ये माँ खाली है मैं तो इनके लिए गा रहा हूँ।
तो बच्चे बच्चे ने बोला मैं भी गा रहा हूँ, हे मा मालिनी तो हेमा हेमा तो सब कर रहे हैं, उसके पीछे कंसेप्शन सबके अलग अलग चल रहे हैं, तो भगवान भगवान सब कर रहे हैं, उसके पीछे कंसेप्शन अपने अलग लगाए हुए, जिसने कहा था भाई लड़ाई झगड़ा माफ करो यार, जो कंसेप्शन लेके चलो यार चल रहे गाड़ी भाई, तो से नो जेनेरिक स्टफ, फोकस पर्टिकुलर कृष्णा, दैट्स इट। आर द कंट्रोवर्सी, क्यों क्यों उन्होंने रास लीना, क्यों उन्होंने माखन चुराया, उनको भी तीर खा के मरना पड़ा था, राम जी ने तीर मारा था, उन्होंने गलत काम किया था, कर्म के फल भुगते फिर जब कृष्ण के रूप में आए, अच्छा ओके, वी विल गिव ऑल एक्सप्लेनेशन टू ऑल द कंट्रोवर्सी, बट वी विल फोकस ऑन कृष्णा, दैट्स देयर।